लाहौर पुलिस पर खौफ के साए, वर्दी में मुलाजमीन को देखकर टारगेट किया जाने लगा है। 10 रोज के दौरान पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का चौथा वाकया रोनमा हुआ है। निश्ता कॉलोनी बागबानपुरा में एहलकारों को फायरिंग करके जख्मी किया गया है। CCPO का एहलकारों को ड्यूटी ख़त्म करने के बाद वर्दी ना पहनने का हुक्म है। एहलकारों को बाहर निकलते वक्त आस पास कड़ी नजर रखने की भी हिदायत है। इसी पर बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, लाहौर पुलिस पर जो है खौफ के साए हैं। मोटरसाइकिल पर सवार हेलमेट पहना हुआ शूटर पुलिस यूनिफॉर्म में एहलकारों को टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से लाहौर पुलिस जो है वो परेशान है। गुज़श्ता 10 से 15 रोज के दौरान शहर में पुलिस एहलकारों पर फायरिंग का ये चौथा बड़ा वाकया जो है वो गुज़श्ता शब पेश आया है। फायरिंग के वाकये में एक सब इंस्पेक्टर समेत 2 एहलकार जो है वो शहीद हुए हैं। 2 रोज कबल नशे के इलाके में भी पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की गई थी और बागवानपुरा के इलाके में भी कांस्टेबल को फायरिंग करके जख्मी किया गया था। नशे कलोनी और बागवानपुरा एहलकारों की गोलियों से जख्मी जो है वह एहलकार हुए थे, जिनको अस्पताल में इलाज जो है वो जारी है। जराये के मुताबिक तो शूटर जो है वो किसी स्टॉप में खड़ा हो जाता है, जैसे ही वर्दी में एहलकार गुजरते हैं उनको टारगेट करता है और बड़ा परफेक्ट शूटर है, वो सर पर जो है वो गोली मारता है, जिसके नतीजे में जो आप तक ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया।